لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कससुल अंबिया के ज़मन में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। पिछले चंद एक दुरूस में हमने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिर उससे मुतालिक बाज़ वाक़ियात को आपके सामने पेश किया। आज हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के निकाह को आपके सामने पेश करेंगे। क़ुरान अज़ीज़ इसके मुतालिक कोई ज़िक्र नहीं करता और ना ही किसी अहादीस में ऐसा कोई क़िस्सा मिलता है जैसा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है। अलबत्ता तौरात में हज़रत इसहाक़ के निकाह का एक तवील क़िस्सा मज़कूर है, तो वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह बोले बेटे अल याज़र दमिश्की से फरमाया कि मैंने तय किया है कि इसहाक की शादी अपने ख़ानदान और बाप दादा की नस्ल में करूं। ये तौरात की रिवायत पेश कर रहा हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए तू साजो सामान लेकर जा और शहर फद्दान आराम में मेरे भतीजे बतोईल बिन नाहूर को ये पैगाम दे कि वो अपनी बेटी का निकाह इसहाक से कर दे। अगर वो राज़ी हो जाए तो उससे ये भी कह देना कि मैं इसहाक को अपने पास से जुदा करना नहीं चाहता, लिहाजा अपनी लड़की को मेरे साथ रुख्सत कर दे। अल याज़र हज़रत इब्राहीम के हुक्म के मुताबिक फिद्दान आराम रवाना हो गया। जब आबादी के करीब पहुंचा तो अपने ऊँट को बिठाया ताकि हालात मालूम करे। अल याज़र ने जिस जगह अपना ऊँट बिठाया था उसी के करीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे बतोईल का ख़ानदान आबाद था। अभी ये इसी में मशगूल था कि सामने एक हसीन लड़की नजर आई जो पानी का गढ़ा लिए अपने मकान जा रही थी। अल याज़र ने उससे पानी मांगा, लड़की ने पानी दिया और उसके ऊँट को भी पिलाया। इसके बाद उस लड़की ने मुसाफिर का हाल पूछा। अल याज़र ने बतोईल का पता दरियाफ्त किया। लड़की ने कहा वो मेरे बाप है। इसके बाद अल याज़र को मेहमान बनाकर अपने घर ले आई। मकान पहुँच कर अपने भाई लाबान को इत्तला दी। लाबान ने अल याज़र की बेहद खातिर व मदारत की और आमद की गर्ज पूछी। अल याज़र ने हज़रत इब्राहीम का पैगाम पहुँचाया। लाबान को इससे बहुत खुशी हुई, बहुत मुसर्रत हुई। इसने बहुत सारा साजो सामान देकर अपनी बहन जिसका नाम रुफ़्क़ा कहा जाता है अल याज़र के हमरा रुख्सत कर दिया। अगरचे ये रिवायत तौरात से मनकूल है लेकिन अपने मजामीन के लिहाज से नाकाबिल एतबार समझी गई है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।